एक आदमी ने 100 मोबाइल लिए, उन पे डेटा ऑन किया, गूगल मैप ऑन किया और एक गली में से गुजरना शुरू किया, क्योंकि सिर्फ उसने 100 मोबाइल एक ट्रॉली में रखे और ट्रॉली गुजारी, गूगल को लगा यहाँ ट्रैफिक जाम चल रहा है, उसने हैक कर दिया सिस्टम को गूगल के। गूगल के किसी आदमी ने ये नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी हो सकता है। मैं आपको आज एक चीज़ समझाना चाहूँगा टेक्नोलॉजी के बारे में। टेक्नोलॉजी के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, और ये मैंने रे कर्ज़वाइल, एक बहुत सीनियर साइंटिस्ट अमेरिका का, उसकी किताब या उसका एक स्पीच से मैंने ये सीखी थी बात, और उसने मैंने नोटिस की थी, लेकिन उसने अच्छे लफ्ज़ अदा किए इसके लिए, तो मैं वो आपको भी समझाऊँगा। आप अगर टेक्नोलॉजिस्ट हैं तो आप ज़रूर समझेंगे, और अगर आप टेक्नोलॉजी नहीं हैं तो समझने की कोशिश करेंगे टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। देखें, जब भी टेक्नोलॉजी पैदा होती है, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो वो कोई परफेक्ट नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारा काम करना होता है, जिसको टीदिंग प्रॉब्लम्स कहते हैं। पहले टेक्नोलॉजी में अल्फ़ा वर्जन बनता है, फिर बीटा वर्जन बनता है, फिर रिलीज़ वर्जन बनता है, उसके बावजूद भी उसमें बहुत एरर्स होते हैं, बहुत गलतियाँ होती हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें जिसको हम गलती कहते हैं, वो एक्चुअली ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसको प्रोग्रामर या इंजीनियर या डिज़ाइनर या आर्किटेक्ट सोच नहीं पाता कि ऐसा भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे, अभी थोड़े दिन पुरानी बात है कि एक आदमी ने 100 मोबाइल लिए, उन पे डेटा ऑन किया, गूगल मैप ऑन किया और एक गली में से गुजरना शुरू किया, तो उसने उस पूरे गूगल मैप के नक्शे के ऊपर एक ट्रैफिक जैम क्रिएट कर दिया, जबकि हालांकि वहाँ कोई ट्रैफिक जैम नहीं था। उसने हैक कर दिया सिस्टम को गूगल के, क्योंकि सिर्फ उसने 100 मोबाइल एक ट्रॉली में रखे और ट्रॉली गुजारी तो लगा, गूगल को लगा यहाँ ट्रैफिक जाम चल रहा है। तो गूगल के किसी आदमी ने ये नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी हो सकता है। तो ये वो चैलेंजेस होते हैं कि जब नज़र आते हैं तो फिर गूगल उसको पकड़ लेगा, ठीक कर लेगा। अच्छा, अब क्या होता है कि हमारे जो मेजॉरिटी लोग होते हैं वो नॉन टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, वो टेक्नोलॉजी इमिग्रेंट हैं। मिसाल के तौर पे मेरी अम्मी हैं, अब उन्होंने मोबाइल फ़ोन कब चलाना शुरू किया, जब उनकी उम्र समझे 40 से ज़्यादा हो गई थी। तो अब उनके लिए जो जिस दौर में वो बड़ी हो रही थी, फ़ोन ही नहीं होता था, मोबाइल ही नहीं होता था, हमारे जो बड़े हैं वो टेक्नोलॉजी से दूर थे जब ये बड़ा, जब चीज़ें आ रही थी। अच्छा, अब उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन आ जाता है और कोई ऐप आ जाती है तो वो इमेजिन करते हैं कि परफेक्ट होगा। भाई, टेक्नोलॉजी की दुनिया में परफेक्ट नहीं होता। जैसे गाड़ी है, फॉर एग्जांपल टोयोटा की आपने गाड़ी ले ली, जब टोयोटा की गाड़ी आई थी 1960s में, पाकिस्तान में भी आई थी, तो कोई टोयोटा की गाड़ी को हाथ नहीं लगाता था कि बेकार है, जापान की गाड़ी है, इससे ज़्यादा ख़राब कोई नहीं होगी। लोग जर्मन गाड़ी या अमेरिकन गाड़ी ख़रीदते थे। सो जब नई चीज़ आती है तो उसके बारे में फियर्स होते हैं, फोबियाज़ होते हैं, खौफ होते हैं, और हम समझते हैं कि चीज़ परफेक्ट होगी। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे व्हाट्सएप आया, जब व्हाट्सएप पैदा हुआ, मैंने मोबाइल चलाया, चेक करी, आवाज़ खड़खड़ खड़खड़ आ रही है। यानी जब मैं वॉइप की दुनिया में टॉप 10 लोगों में होता था 1997 में, मुझे याद है कि वॉइप का नाम आते ही लोग चलाते ही नहीं थे सर्विस को, यार ये तो बेकार होगी। आज पूरी दुनिया को व्हाट्सएप ने हिला दिया है, उसमें क्या है, वॉइप है, वॉइस ओवर द इंटरनेट प्रोटोकॉल। और क्वालिटी मैच्योर होती गई। आज रेगुलर फ़ोन कॉल से अच्छी व्हाट्सएप की क्वालिटी होती है, अगर डेटा सही चल रहा होता। तो जब भी कोई चीज़ ईजाद होती है, याद रखें, जब भी कोई चीज़ नई आती है वो परफेक्ट नहीं होती है। आपकी ज़िंदगी को अगर थोड़ा सा भी बेहतर बना रही है और आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड कर रही है, तो उसको थोड़ा सा अडॉप्ट ज़रूर करें, थोड़ा सा ज़रूर चलाएं, क्योंकि उसको मैच्योर करने के लिए फीडबैक लूप की ज़रूरत है। आप जब तक बताएंगे नहीं कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रोडक्ट अच्छी हो नहीं सकती, क्योंकि प्रोग्रामर सारे सिचुएशंस नहीं देखता, और प्रोग्रामर वैसे भी एक ख़ास किस्म का इंसान होता है, वो प्रोग्रामर के हिसाब से हर चीज़ समझता है। हम सब हर चीज़ को अपने बायस के हिसाब से देखते हैं, अगर मैं मुसलमान हूँ तो मैं मुसलमान के हिसाब से हर चीज़ देखूँगा। तो इसी तरह टेक्नोलॉजी भी होता है। तो टेक्नोलॉजी का जो कर्व है वो ये होता है कि शुरू में आती है, ख़राब होती है, फिर उससे अच्छी होती है, फिर उससे अच्छी होती है, लेकिन जो शुरू में इस्तेमाल करता है वो उसकी बुराई करता रहता है 5 साल बाद भी, हालांकि 5 साल बाद वो प्रोडक्ट बहुत मैच्योर हो चुकी होती है। तो उस वक़्त उनको चाहिए कि वो उसको दोबारा एक्सपीरियंस करें, उन्हीं साहब को चाहिए। मिसाल के तौर पर एप्पल जब आया, आईफोन आया, पहला आईफोन, उसमें SMS फॉरवर्ड नहीं होता था। तो अगर एक आदमी ने पहला आईफोन ख़रीदा और उसमें SMS ही फॉरवर्ड नहीं होता था, बेसिक फंक्शन है ना, तो वो सारी ज़िंदगी आईफोन को बुरा कहता रहे, तो आईफोन 10 आ गया, अब आईफोन ट्राई करो तो डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। तो ये टेक्नोलॉजी का रूल ऑफ थंब है, याद रखें कि अगर आपने टेक्नोलॉजी ट्राई की थी
तो 2 साल बाद फिर ट्राई करनी है, फिर 2 साल बाद फिर ट्राई करनी है। अगर आपको सूटेबल नहीं लगी थी तो जो 5 साल पहले टेक्नोलॉजी आई थी वो 5 साल बाद बिल्कुल फ़र्क हो चुकी होती है। करीम का दफ्तर हमारे घर के बिल्कुल बराबर में था, 4 लोग बैठते थे, आज हज़ारों लोग उसको चलाते हैं। 3 गाड़ियाँ थी जब शुरू हुआ था, अब हज़ारों गाड़ियाँ चलती हैं। तो वो करीम जो 3-4 साल पहले शुरू हुआ था उसमें और आज की करीम में बहुत फ़र्क है। तो वो $3.5 बिलियन की बिक भी गई। तो टेक्नोलॉजी में याद रखें, हर 2 साल बाद ना वो ऐसा है कि जैसे कोई नया बच्चा आ गया हो, नया इंसान आ गया हो। इंसान के लिए हर 7 साल के बाद नया इंसान आता है, इसी तरह उस टेक्नोलॉजी की दुनिया में 2 से 4 साल में एक नई टेक्नोलॉजी की पूरा साइकिल चेंज हो चुका होता है। तो आप उसको दोबारा ज़रूर चांस दिया करें। अस्सलाम वालेकुम।